Hey, welcome back everybody. This video is about methods for studying the structure and activity of the living brain. This video is important for your UGC NET examination and also MPhil clinical psychology examination. So watch this video till the last. Agar aap iske bare mein detail padhna chahte hain to aap वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई है वहां पर जाकर और भी डिटेल में पढ़ सकते हैं. सो यू कैन चेक दैट. नाउ आपको मैं बता दूं कि एंशिएंट टाइम पर जब ब्रेन को स्टडी करने के लिए कोई टेक्निक नहीं थी जैसे कि आज टेक्निक होती है, तो उस टाइम पे ब्रेन को स्टडी करने के लिए ब्रेन का ऑपरेशन करते थे. मतलब वो ब्रेन को फाड़ देते थे, ब्रेन में होल कर देते थे. उन टेक्निक्स को कहा जाता था इनवेजिव टेक्निक्स, मतलब ब्रेन को वो ऑपरेट कर देते थे. बट नाउअडेज वी हैव वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक्स बाई विच वी नीड नॉट टू ऑपरेट द ब्रेन. हमें ब्रेन को ऑपरेट नहीं करना होता है, उसको नहीं फाड़ना होता है, नहीं होल करना होता है. तो आज हम इन्हीं के बारे में समझने वाले हैं, तो आप इसे अच्छे से ध्यान रखिएगा. सो जब भी स्टडी करना है तो हम नॉन इन्वेजिव टेक्निक्स के अंतर्गत ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है उसको मैप कर लेते हैं और ब्रेन का जो फंक्शन है उसको मैप कर लेते हैं. तो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि मैपिंग स्ट्रक्चर में आपका एक नाम आता है CT, जिसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी. सो जस्ट कीप इन माइंड ऑल्सो द फुल फॉर्म बिकॉज एग्जाम्स में ये भी पूछ लिए जाते हैं और मैचिंग करके भी दिए जा सकते हैं. तो कंप्यूटेड टोमोग्राफी एक ऐसा आपका मेथड है, नॉन इन्वेजिव मेथड है, जो कि आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को मैप करता है. और ख़ास बात यह है कि कंप्यूटेड टोमोग्राफी में जो प्रोसेस होती है उसमें एक्सरे टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है, तो आप इसे ध्यान रखिएगा. नाउ नेक्स्ट इज मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग. ये भी आपके ब्रेन के स्ट्रक्चर को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, MRI मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग. और जो MRI होता है इसमें बेहतरीन सुपर क्वालिटी का जो स्ट्रक्चर है वो दिखता है. तो दिस इज मच बेटर देन द CT. CT स्कैन से ये ज़्यादा बेटर होता है. बट बात यह है कि MRI महंगा भी पड़ता है, तो ईजिली ये लोग नहीं करवाते हैं. लेकिन अगर प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, हमें डीप लेवल तक प्रॉब्लम को समझना होता है, एट दैट टाइम लोग MRI का यूज कराते हैं. नाउ नेक्स्ट इज मैपिंग फंक्शन. ब्रेन कैसे कार्य करता है इसको लेके भी कुछ टेक्निक्स हैं. तो फर्स्ट इज EEG, जिसे कहते हैं इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम. हमें ध्यान रखना है EEG का फुल फॉर्म ऐसे भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है. एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट EEG काम करती है कि ब्रेन में जो इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी होती है उसको लेकर. सीधी सी बात है, हम जानते हैं कि हमारे बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है और कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत मात्रा में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स भी उत्पन्न होते हैं. तो EEG के माध्यम से जो ब्रेन होता है उसके उस पर स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स को रखा जाता है और वो डिटेक्ट करते हैं कि ब्रेन के किस पार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी हो रही है और नहीं हो रही है. ब्रेन के जिस सर्टेन पार्ट में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं होती है, इसका मतलब होता है कि ब्रेन के उस पार्ट में कुछ प्रॉब्लम है. तो ब्रेन कैसे फंक्शन कर रहा है ये हम EEG के माध्यम से पता कर सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी, दैट इज PET. PET का फुल फॉर्म क्या होगा? पॉजिट्रॉन इमिशन टोमोग्राफी. हमें ध्यान रखना है कि जब PET करवाया जाता है एट दैट टाइम पर्सन के बॉडी में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिसमें रेडियो एक्टिव ट्रेसर होता है. एंड दिस रेडियो एक्टिव ट्रेसर कम्बाइंड विथ ग्लूकोज के साथ में कम्बाइंड हो जाता है. और सीधी सी बात है, जब ये आपका ब्रेन में पहुंचता है तो ग्लूकोज और रेडियो एक्टिव ट्रेसर दोनों साथ में रहते हैं. अब सीधी सी बात है, जिस जगह पर ग्लूकोज नहीं पहुंचेगा ब्लड के साथ में, इसका मतलब है उस हिस्से में ब्रेन सही से फंक्शन नहीं कर रहा है. और PET के माध्यम से यही पता किया जाता है कि किस एरिया में रेडियो एक्टिव ट्रेसर पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है. जहां पे नहीं पहुंचेगा इसका मतलब वहां पर सही से फंक्शनिंग नहीं हो रही है. सो PET रिकॉर्ड्स एक्टिविटी ऑफ सेल्स दैट यूज रेडियो एक्टिव ग्लूकोज. तो इस तरह से इसका यूज किया जाता है. नाउ नेक्स्ट इज फंक्शनल MRI, दैट इज नोन एज ऑल्सो फंक्शनल मैग्नेटिक रेसोनेंस इमेजिंग. हम सभी जानते हैं कि हमारी बॉडी में जो ब्लड होता है, ब्लड में ऑक्सीजन होती है. और हम ये भी जानते हैं कि हमारे
ब्लड में हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन में आयरन होता है, तो इसी को लेकर ये कार्य करता है। क्या लिखा हुआ है, ट्रैक थ्रू चेंजेस इन ब्लड ऑक्सीजन लेवल्स, इंक्रीज इन ऑक्सीजन लेवल्स एसोसिएटेड विथ इंक्रीज्ड फंक्शनिंग। तो सीधी सी बात है कि इसके माध्यम से ये पता करते हैं कि ब्रेन के किस हिस्से में ऑक्सीजन का सप्लाई बेटर है। जहाँ पर बेटर है इसका मतलब वहाँ पे सब ठीक ठाक है, और जहाँ पे ऑक्सीजन का सप्लाई बेटर नहीं है इसका मतलब वहाँ पे कुछ गड़बड़ है। तो इस तरह से इसका भी यूज किया जाता है। सो दिस वाज शॉर्ट वीडियो फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। आप इनके फुल फॉर्म याद रखिए, कैसे काम करते हैं इनको भी याद रखिए, और डिटेल में और भी पढ़ने के लिए आप वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप मेरे साथ यूँ ही जुड़े रहें।